हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो भाई कई सारी हो गई, अब क्यों ना अपने व्यूवर्स को कुछ फनी कंटेंट दिया जाए। तो भाई देखिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के संग कह सकता हूं कि आप आश्चर्यचकित और हंसते हुए लोटपोट जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, आपने अक्सर जानवरों को खेलते कूदते समय मस्ती करते हुए देखा ही होगा, पर इस वीडियो में आज उनके बाकी अतरंगी कारनामे भी आप देख लीजिए। ज्यादातर जानवर भाई हमारे साथ या आसपास ही रहते हैं, तो उन्हें हमारे जैसे बिहेव करने की आदत हो जाती है। यही वजह है कि भाई वो चालाकी भी सीख जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये भैंस अपना सर नहीं खुजा पा रहा, पर असली माजरा तो भाई कुछ और ही है। इसके मालिक ने कुंडी लगाकर सोचा होगा इसकी भैंस भाई कहीं भाग नहीं सकती, पर उसे क्या पता था कि भैंसिया ने तो भाई कुंडी खोलना ही सीख लिया है। इधर मालिक गेट लगाकर निकला और इधर इसने अपनी जीप से कुंडी खोल ली और भाग निकली। ये देखिए, हमारी गौ माता भी भाई किसी से कम नहीं है। इसमें इनके मालिक ने चारा तो दे दिया, पर वो एक जगह ही रखकर चला गया, जिससे बाकी गायों को खाना नहीं मिल पाया। अब गौ माता को गुस्सा आया तो उन्होंने वो लॉकी खोल दिया जिससे उनको बांधा गया था। ऐसी उन्होंने बगल वाली गाय का भी लॉक खोल दिया और उसे हटाकर उसकी जगह से खाना खाने लगी। धन्य है गौ माता, चरण स्पर्श प्रणाम। ऐसे तो दोस्तों बंदर बहुत ही फ्रेंडली माने जाते हैं। हमारे तो भाई राम जी ने भी वानर सेना के दम पर लंका तक का सफर तय किया था, पर अगर इसी बंदर को कोई परेशान कर दे तो वो पानी पिला देता है। इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाशय ने ऐसा सोचा होगा कि बंदर से थोड़ा पंगा ले लिया जाए। ये उसे एक एक करके केले देने लग गया। पहले तो बंदरों ने दो तीन बार भाई ले लिया, फिर वो चुड़ गया और उसने अपना एक झपट्टा मारा। अब मैं क्या बोलूं भाई, आपको लगेगा कि ये बार बार गाय की ही क्लिप क्यों दिखा रहा है, पर भाई देखिए, हमारी माता है ही इतनी कलाकार कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ एक फैमिली वेकेशन मनाने पहाड़ों पर गई थी, उनके जूते बाहर ही रखे हुए थे, तभी उधर से गाय आकर इनके जूतों को पहनकर भाई चली जाती है। दोस्तों, आपने कभी गाय का दूध निकाला है? गांव के लोग तो भाई हर सुबह और शाम ये काम करते ही हैं, इसलिए वो इसमें माहिर होते हैं। पर फिर कुछ गोरी मैम गांव जाती हैं और उन्हें ये करने का भूत सवार होता है। आप इस वीडियो में देखिए, इन मेम साहब ने गाय का दूध निकाला और गाय ने साथ में प्रसाद भी दे दिया। दोस्तों, आपने पालतू जानवर को कपड़े पहने हुए जरूर देखा होगा, पर पता नहीं इस मुर्गी को किसने ये कपड़े पहना दिए। खैर देखिए, जिसने भी किया बहुत खूब काम किया, इसकी कमर देखकर तो भाई सारी लड़कियां जल जाएंगी। दोस्तों, आपने अक्सर वीडियो वगैरह में देखा होगा हाथी भैंस गाय सब बहुत एंजॉय करके पानी में नहाते रहते हैं, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पालतू जानवर होते हैं वो नहाते वक्त बहुत ड्रामे करते हैं। दोस्तों, उनके मालिक को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जी हाँ, कुत्ते बिल्लियां तो भाई छुप जाते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उन्हें नहाना ना पड़े, पर ये बिल्ली शायद छुप ना सकी और इसके मालिक ने इसे नहला ही दिया। अब उसकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने दुख में है यार। दोस्तों, हम तो हर रोज ही लगभग आईना देखते हैं, पर जानवरों को भाई इसकी आदत नहीं होती है। जानवर जब कभी अपने आप को आईने में देखते हैं ना, तो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये पक्षी अपने आप को आईने में देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। लगता है भाई उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि वो इतना खूबसूरत है। सोच रहा होगा, हाय रब्बा, मुझे कहीं किसी की नजर ना लग जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं। दोस्तों, आपने कुत्तों को लड़ते हुए कई बार देखा होगा, ये भौंक भौंक के भाई हमारे कानों के जो पर्दे होते हैं उसे फाड़ देते हैं, पर कभी आपने किसी कुत्ते को स्टिक से लड़ते हुए देखा? ये है वो योद्धा। इसने सोचा, भाई भौंक कर तो बहुत हो गया, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। इसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और भिड़ गया लड़ाई करने को। देखकर तो लगता है उसे ये लड़ाई करने का तरीका काफी पसंद आया। अब होगा तांडव। क्या मारा भाऊ, ये लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानवर भी हम इंसानों की तरह हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। यहाँ ये दो मुर्गियाँ आपस में लड़ी जा रही थी, तभी वहाँ पे गाय आ जाती है। उसे ये फाइट पसंद नहीं आई, उनके जानवर कम्युनिटी की बुराई हो रही थी। उसने रोकने का ट्राई किया और बाद में ये मुर्गी गाय पर ही बरस पड़ी। हमारी गौ माता भी भाई कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने एक सिंग मारी मुर्गी को और वो कहीं दूर जाके गिरी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हालात देखकर अकड़ दिखानी चाहिए। ये देखिए, यहाँ दो बिल्लियाँ भागे भागे जा रही थी और ये अपने एक साथी बिल्ली को पीछे छोड़ के निकल गई। जब ये तीसरी बिल्ली आई तो कंफ्यूज हो गई कि उसे भागना किस दिशा में है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है, वो उसे दूसरी ओर इशारा करता है, फिर वो उस तरफ भाग जाती है। कौन कहता है कि यार जानवर हमारी भाषा नहीं समझते, बस फर्क इतना है कि ये बोल नहीं पाते, समझते पूरा है। हाँ दोस्तों, वैसे तो भाई हमने कुत्तों को हमेशा मिलजुल कर रहते हुए देखा है, वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, पर यार वो भी क्या करें, कभी कभी देखे कुछ खुराफाती दिमाग चल ही जाता है। इस वीडियो क्लिप में आप देखिए, ये जो डॉगी है ये पीछे की तरफ खिसक कर दूसरों को पोक करता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले नहीं किया है, और उन दोनों की भैया जो लड़ाई होती है वो हो जाती है शुरू। दोस्तों, बंदरों को हमारा पूर्वज कहा जाता है। इन लोगों की भाई सारी हरकतें हमारी जैसी ही होती हैं। यहाँ आप देखिए, इन बंदरों की पूरी टोली ने ऑटो रिक्शा को अपना घर बना लिया। इस बंदर की तो पूरी कोशिश है कि ये ऑटो ड्राइवर बन ही जाएगा, भगवान का चमत्कार हो तो ये जल्द ही चलाने भी लग जाएंगे।
दोस्तों शीप्स भैया हमें काफी कम देखने को मिलती है। ये देखने में बहुत ही शांत स्वभाव की लगती है, लेकिन होती बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर जानवरों में सबसे ज्यादा पंगे लेने वाला कोई जानवर है तो वो है शीप। जी हाँ, ये हमेशा ही अपने किसी बड़े जानवर से उलझ जाते हैं। दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये जानवर हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाते। आप खुद ही देख लीजिए, हमें लगता है कि इंसान ही सिर्फ चोरियां करते हैं, पर नहीं भाई, आजकल तो जानवर भी हमसे इस काम में पीछे नहीं है। ये भाई साहब अपना सामान लेकर देखिए मॉल से निकले ही थे कि तभी कहीं से कुत्ता आता है और उनका बैग छीनकर भाग जाता है। लेकिन बेचारा अभागा कुत्ता, उसके बाद भैया उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। मैं सोच रहा था कि हमारा कानून बस इंडियन सिटीजंस पर ही लागू है, पर अब बेचारे कुत्ते भी नहीं छूट रहे हैं इससे, तो कानून किसी को नहीं बख्शता जी। दोस्तों बचपन में आपका मनपसंद जानवर कौन सा था? अगर मुझसे कोई पूछे तो भाई मेरा जवाब होगा हाथी। हाथी देखिए काफी मस्तीखोर होते हैं, हमने अक्सर उसे पानी में खेलते हुए मतवाली चाल में झूलते हुए देखा है। असल में देखिए हाथियों को ऐसे गजराज नहीं कहते। ये वीडियो क्लिप आप देखिए, इसमें ये बेचारा हाथी चुपचाप अपनी प्लेट लेकर चल रहा था, तभी इसके आगे वाले हाथी को मस्ती सूझी और उसने एक सूंड मारकर भाई उसकी प्लेट गिरा दी। लगता है वो हाथी बहुत भूखा था और ये प्लेट देखकर भाई उसे खाने की याद आ रही थी, इसलिए उसने प्लेट उड़ा दी। दोस्तों डांस करना तो भाई हम सभी को अच्छा लगता है, भले ही हमें आए या ना आए, पर चाचा मामा की बारात में दो चार ठुमके तो भाई सब लगा ही लेते हैं। पर कभी आपने क्या जानवरों का डांस देखा है? अगर नहीं भाई तो आज देख लीजिए। आप यहाँ देखिए कुत्ता कैसे उछल उछल कर नाच रहा है। इसे देखकर तो भाई ऐसा लग रहा है मानो आज इसकी महबूबा से उसकी शादी तय हो गई हो। भाई लोग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के बहुत करीबी होते हैं। महाभारत काल से ही ये चला आ रहा है। युधिष्ठिर के साथ आखिरी तक एक कुत्ता ही तो गया था। आप इस क्लिप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आदमी नीचे बैठकर कुछ खा रहा था। उसके पालतू कुत्ते को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो उसके लिए बैठने वाली कुर्सी लेकर आ गया। ये होता है दोस्तों जानवर प्रेम। आजकल लोग जानवरों को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें जीने का बिल्कुल हक ही नहीं है। जानवर भी हम इंसान जैसे ही होते हैं दोस्तों, अगर उन्हें प्यार दिया जाए ना तो वो हमारे सबसे ज्यादा अपने बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप में कभी ना कभी भाई लड़ाई जरूर हुई होगी। आजकल ये जानवर भी देखिए अपने मालिक के प्यार के लिए एक दूसरे से लड़ जाते हैं। आप ही देखिए इन कुत्ते बिल्ली के बीच में कैसा घमासान युद्ध छिड़ चुका है। आज या तो ये रहेंगे या मालिक की भैया खैर बुरी। दोस्तों हम अक्सर लड़कियों को सजते संवरते देखते हैं। जब भी हमारी बहन या बीवी तैयार होती है तो हम अक्सर मजाक में कह देते हैं कि बंदरिया लग रही है। आज देख लीजिए ये कहावत कहाँ से आई थी। इस वीडियो में ये बंदरिया ऐसे तैयार हो रही है जैसे आज लैक्मे फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर लेगी। बंदर सच में यार बड़े अतरंगी जानवर होते हैं, कभी खाने के लिए चालाकी करते हैं तो कभी मेकअप कर लेते हैं। दोस्तों आपने कई सारी क्लिप्स देखी होंगी जिसमें कुत्ता अपना अलग ही अंदाज दिखा रहा होता है, पर ये वीडियो थोड़ी हट गया है। कभी एग्जाम के एक दिन पहले आपने पढ़ाई शुरू की है? अरे यार ये तो हर बच्चा जिंदगी में कभी ना कभी करता ही है। उस दिन देखिए हमारी जो कॉपी के पन्ने पलटने की स्पीड होती है ना, उसको अगर कोई मैच कर सकता है तो वो है ये कुत्ता। इसे देखकर भाई ऐसा लग रहा है कि बीवी ने अर्जेंट में काम बोला है, अगर जल्दी नहीं हुआ तो क्या पता रात में भूखा ही सोना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कौन सी क्लिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।